हाँ चलो भाई कटो कट काटो कट जाओ यहाँ से सब है तो पहचानना ही मुझे घर को तारीफ कर दी इसने ना मेरी हो इसने तू और मैं सेम सी लग रही है कुछ कुछ देख मुंह देख हमारे चल तो अभी आ चुके हैं हम रेस्टोरेंट जहाँ है स्नेही की बर्थडे पार्टी तो अभी चलते हैं अंदर हम आ गई तो आते के साथ ही भाई लाइटिंग है मेरी फ्रेंड आ चुकी है तो हम अभी यहाँ पर दिखा रहे हैं डेकोरेशन के लिए। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं बहुत सारे बैलून, तो ये स्नेही की बर्थडे पार्टी का नजारा है। तो बर्थडे बॉय कैसा लग रहा है यहाँ पर आके, डेकोरेशन कैसी लगी? बढ़िया। तो स्नेही की थोड़ी तबीयत डाउन है, ये हमेशा से ही इसको फीवर हो जाता है इसके बर्थडे के दिन। इस बार भी इसने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है लड़के ने, इसको बुखार हो रहा है। तो अभी हम फोटो क्लिक कर रहे हैं आते के साथ ही, और अभी जैसे जैसे गेस्ट आ जाएंगे सबसे मिलवाएंगे आपको गाइस, ठीक है? चलो भैया ने भी विश कर दिया है। और अभी ये न्यू रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम आए हैं, तो अभी जो भी मेरी फ्रेंड्स तो आ चुकी है। तो ये है पूनम, मीट माई फ्रेंड, 200 का जोड़ा है पूनम। अब तो पूजा और मैं फेमस है तो 200 के जोड़े के नाम से ना अब नहीं, पहले स्कूल टाइम पे हम दोनों फेमस थे तो कुछ ऐसा ही था। और ये पूनम बताएगी इसकी कहानी, पूनम ना यार बता दे, 200 की कहानी तुझे बतानी पड़ेगी। सब जगह साथ रहती थी। स्नेहिल की फेवरेट गाड़ी लाया है वंश, लो स्नेहिल ये तुम्हारा गिफ्ट है। अब गाड़ी चलाएगा ना तू, छोटा बच्चा है ना भाई, इतना बड़ा हो गया लेकिन इसके बच्चों वाली हरकतें नहीं गई है। पाव भाजी लवर, बच्चे हमारे पाव भाजी लवर, तो पाव भाजी ऑर्डर कर रहे हैं भाई हैं। मनी क्या खाएगा हनी? पाव भाजी। चलो पाव भाजी मंगाते हैं। समोसा, समोसा खाना तो हमारे गांव में आ जाता भाई, होटल में भी आके समोसा खाया तूने, हद हो गई, ये देसी वाला है हमारे। तो यहाँ पर आ चुके हैं बच्चों के रिटर्न गिफ्ट्स गाइस, तो जो भी स्नेल को गिफ्ट्स मिले हैं वो बाद में अनबॉक्सिंग करेंगे, तो व्लॉग को पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है गाइस? अरे पहले नंबर पे मैं जाऊंगी, दूसरे पे जाएगी फोटो लवर। अच्छा ठीक है चलो। हेलो, और तुम खुश हो?
और इनका थोड़ा मूड इसलिए खराब था क्योंकि स्नेहल को हो गया फीवर। खाती नहीं है लड़की पतली सी। हेलो शगुन। अरे इधर चल रहा है ब्लॉग। मैं तो हील पहन के थी। अरे बाल कैसे लंबे हो गए। मैं हील पहन के थी लगता है शगुन वैसे भी लंबे हो गए है ना। चलो आ जाओ दीदी सब मिल लो गले। मैंने कोई कहेगा सबसे गले मिली इतना तो मिला मिली है फिर हम सारे खिंचवाएंगे एक साथ। हाय नायरा वीडियो बनाएंगे यार वीडियो। अच्छा ये है आयान। हेलो रिधान। खाते पीते करके बच्चे या हमने कुछ नहीं खाया। भाई पिया तो तुम नहीं है। खाया सबने पर पिया तुम नहीं है। सर्दी में ऑर्डर जुकाम ना हो जाए। खाने की तैयारी चल रही है। उधर आ चुके हैं दोस्त। हाय कैसे हो। और कोई नहीं आया साथ में। मम्मी कहाँ है। अरे मम्मी को ले आता ना इस। और फ्रेंच फ्राई आप भी खा लो कुछ। पम फोड़ दिया। यार ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं है। होप सो गाइज आपको ये बर्थडे पार्टी अच्छी लग रही होगी। और देखिए छोटा सा ही सेलिब्रेशन था तो स्नेहल के फ्रेंड्स आए थे तो हमने सोचा कि यादगार तो बनाया ही जाता है चाहे कम ही मेंबर हो पर अच्छे से इंजॉय करना चाहिए। और अभी ज़्यादा में तो ना गैदरिंग बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए तो स्पेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए और सच में पैसे भी बहुत ज़्यादा चाहिए तो इसीलिए ज़्यादा नहीं कर सकते तो छोटी सी पार्टी तो कर ही सकते हैं ना तो इसलिए बच्चों की खुशी के लिए छोटी सी पार्टी कर दी थी। और स्नेहल के कुछ ज़्यादा फ्रेंड्स तो हैं नहीं और अभी स्नेहल भी मना कर दिया था मुझे अपनी फ्रेंड्स को नहीं बुलाना है बस जी आई थी। सभी खाना खा रहे थे ऑर्डर कर रहे थे तो अभी केक कटिंग बाकी है दोस्तों तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा ब्लॉग को पूरा देखिएगा। कुछ बड्डे कर बड्डे बड्डे कैसे लग रहे कुछ बिंच मगरा
खींच रही हूँ। चलो सारे चश्मे हाँ चलो हाँ करो चलो काट लो चलो सब खड़े हो जाओ केक कटवा लो कट चलो हाँ चलो भाई कटो कट कटो अरे नो इसने कार्ड भी तो दिया था कार्ड भी तो दिया था इसने बड़ा लिफाफा क्यों कह रहा इतना बड़ा लिफाफा प्लास्टिक के बॉल को खिला रही है लड़की प्लास्टिक है चलो चलो करो दीदी करो केक खाते हुए सब खा रहे हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है अभी हम करेंगे डांस ठीक है खा लेते हैं केक कर लेते हैं दूर हो गया है गाइस हम दोनों का मेकअप बताओ कैसा लग रहा है दोनों सेम लग रहे हैं ना देख लिप कलर भी सेम लग रहा है बिंदी भी सेम लग रही है देख ना नहीं भाई क्रेडिट दे किसने करा स्वीटी ने थैंक यू स्वीटी ना बढ़िया मेकअप करा है सब बैठे कर रहे हैं केक एंजॉय खा लिया केक दीदी और ले लो ना चलो पढ़ लो ब्लास्ट ओए यार ब्लॉग में नहीं नहीं
अभी तो पार्टी शुरू हुई है, व्लॉग नहीं बना था। अरे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, दे दे सबको, दे दे। दे दिया सबको, दे दिया तो रख दे इसमें एक्स्ट्रा। अरे तो घर जाके ले लियो, एक मैं ले लूं। अनबॉक्स कर ले पहले तू, तुम कह रहा अनबॉक्स कर लूं, कर ले। बच्चे खा रहे हैं अभी भटूरा। ये तो मोनी वाका है ना, ये मोनी वाका है, किट्टू का ये वाला है, ये किट्टू का है। और ये किसका है? पहले आप इन दोनों का दो ना, अब एक एक ले जाऊंगी। पहले ये किसका है? ये पूजराज जी का है। ये उनका है, पूना मौसी का। सारे ही ले जाऊंगा। ये किसके? ये जिया का है, ये पूजराज जी का है। ये वाला पूजराची का है, ये बच्चों के तेरे दोनों। और ये किट्टू का है, ये मोनी हुआ का है। हाँ, और इसमें ना ये नायरा का है पेन, और इसमें एक लिफाफा है आपको मिला। आप डांस अभी चलवा रही हूँ। खा लो क्या? तो मंगा लो बेबी। गाड़ी चलानी जानती है, देखो भाई साहब कार चला के जाएंगी। बाय। सही है, हटाओ जाओ गई। देखो हमारा हो चुका है पार्टी का एंड, और पूजा ने मुझसे बोला आज पहली बार ऐसा हुआ है आपको शॉपिंग करके नहीं जा रही। पार्ट्स हमारे कार में रह चुके हैं और हम यहाँ पर देखने आए हैं क्या मिल रहा है। और यहाँ पे फर्स्ट क्राय .com है, और सच में मुझे बच्चों के कपड़े भी लेने। और देखे कुछ अच्छा मिल रहा है, देख ये रहा। तो इसमें जाके देखते हैं क्या मिल रहा है, क्या पता कुछ अच्छा मिले तो ले भी सकते हैं बच्चे के लिए। देख फोटो पड़े कम बोल लेंगे, मैं क्या पैसे ले लूँ। चुपचाप देखता है जो दिखाया, देख लो बस। खो दिए, कोई नाम नहीं लिख के ले, पागल है क्या कुछ, इसने सब सामान इसमें ही है। खो दिए। सो गाइस, गिफ्ट की अनबॉक्सिंग की जा रही थी और स्नेहिल इतना एक्साइटेड था कि वो कपड़े भी चेंज नहीं कर रहा था। बोल रहा था मैं तो सबसे पहले गिफ्ट ही खोलूँगा, मुझे देखना है मुझे क्या क्या मिला है। तो भाई बच्चों को होता ही है और बच्चे देखते ही हैं क्या मिला है क्या नहीं है। सो गाइस, इसी वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट के बारे में भी बताऊँगी जो बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए। जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं, आपको बहुत पसंद आएगा। तो मुझे रिसीव हुए हैं अमेजन से कुछ प्रोडक्ट, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले करेंगे हम अनबॉक्सिंग, फिर उसके बाद आपको वीडियो दिखाएंगे।
कि आखिर वो क्या प्रोडक्ट्स हैं, और थोड़ा सा एक्साइटेड जिस तरह से आप गिफ्ट के लिए उसके लिए भी होना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, उस साइट पे जाके विजिट ज़रूर देखना, अच्छे लगे प्रोडक्ट तो ज़रूर से परचेज़ भी करना। ठीक है गाइज, तो अभी मैं पहले वीडियो में आपको गिफ्ट दिखा देती हूँ क्या क्या मिला है स्नेहल को। और जैसा कि आपने देखा होगा कुछ लिफाफे भी मिले थे, उसमें शगुन मिला है स्नेहल को। और मतलब बच्चों को होता ही है थोड़ा सा खुशी, बहुत खुश हो रहा था। तो ये वॉच उसके डैडी ने इसको गिफ्ट दी थी, और ये खुद से लाया था अपनी पसंद की। और लास्ट बर्थडे पर भी, जो अभी गया था लास्ट ईयर, उस पर भी इसने वॉच ली थी। और अब की बार क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फीवर हो रहा था, तो इसने ब्लेज़र वगैरह भी वियर नहीं किया, वरना तो ये ब्लेज़र भी खरीद के लाया था। और बहुत अच्छे इसके पास कपड़े भी थे, पर तो कहते हैं ना जब तबीयत डाउन होती तो कुछ भी मन नहीं करता, तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। इनफैक्ट जिस टाइम हम इसे लेकर जा रहे थे बर्थडे में, उस टाइम भी इसको दवाई दिलवा कर लाई है, सो रहा था, फीवर इतना ज़्यादा तेज था ना। और अभी तो जैसे ही बर्थडे से आए, स्नेहा को भी फीवर हो गया, स्नेहल को भी फीवर हो गया, दोनों बीमार हो गए। और कहते हैं ना, बस क्या ही बताएं, थकान तो होती है लेकिन थकान से ज़्यादा ये फीवर से डर लगता है। तो यहाँ पर एक ये वॉलेट मिला था इसे, कुछ परफ्यूम, कुछ पेन थे, कुछ गाड़ियाँ थी। गाड़ियों का से बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ही ज़्यादा, इसके पास छोटी से लेके बड़ी तक गाड़ियाँ हैं जो ये कलेक्ट करता रहता है। सिर्फ बचपन से पसंद है गाड़ियाँ, इसके 3-4 फ्रेंड ने इसको गाड़ियाँ भी दी थी। और कुछ मतलब कुछ वो कहते हैं ना डेकोरेटिव आइटम्स थे, चॉकलेट थी, कपड़े भी थे, और काफ़ी सारी चीज़ें मिली, मतलब उम्मीद से ज़्यादा, मतलब इतनी उम्मीद नहीं की थी हमने कि इतने सारे गिफ्ट मिल जाएंगे। बच्चों को क्या चाहिए, गिफ्ट ही तो चाहिए, तो वो इनको मिल गए तो ये खुश है बहुत ज़्यादा। और ये वाले लैंप भी 2 थे और मुझे बहुत पसंद आए। सभी को बहुत बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू, जिसने भी ये मतलब इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए, क्योंकि मैंने नाम मेंशन नहीं किया, सब समझ जाएंगे अपने अपने गिफ्ट्स देखकर किसका क्या गिफ्ट था। बड़े ही प्यारे लगे क्योंकि बच्चे एक्साइटेड थे। अलग से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, इसी वीडियो में मैंने ये ऐड कर दिया। व्लॉग लाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी, और कहते हैं ना सच में व्लॉग बना तो लो, एडिट करना आसान नहीं होता, तो वही होता है। और ये हुडी जिया ने दी थी, जिया थैंक यू, ये मेरे सामने ही तो मैंने बोल दिया। बच्चों ने बड़े ही प्यारे कार्ड्स भी दिए थे, दर्शिका ने, दर्शिका को भी बोल देती हूँ थैंक यू बच्चों, आई लव यू। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट गिफ्ट्स पर, परफ्यूम स्नेहा को परफ्यूम लवर पहले से ही है, इसके बर्थडे पे देखा होगा आपने इतने सारे परफ्यूम मिले थे। तो अभी ये सब देख रहे हैं, कुछ कुकीज़ भी थी है ना, और चॉकलेट्स भी थी, तो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। और स्नेहा ने भी जो बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था, देखो ये स्नेहा का ही गिफ्ट था, क्योंकि स्नेहल फेस वॉश वगैरह मंगाने का सोच रहा था, तो स्नेहा ने उसको मंगा दिया। तो अभी आ गए हैं उस ब्यूटीफुल और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट की साइड जिसकी मैं बात कर रही थी। तो गाइस बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये फॉक्सटेल के कुछ प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए हैं जो मैं आपके सामने दिखाने जा रही हूँ, और डेफिनेटली उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएंगे, बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि विंटर सीजन आ गया है तो बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मॉइस्चराइज़र क्रीम भी है, सनस्क्रीन, जैसे कि आप धूप में जाते, हालांकि अभी धूप थोड़ा कम होती है, बट ये बोला जाता है कि अगर आप सनस्क्रीन का यूज करेंगे तो आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहती है, और जो भी बाहर की डस्ट है, एक्स्ट्रा जो होती है ना, एक्स्ट्रा गंदगी है ना, उसको भी क्लीन रखता है, सेफ रखता है, तो वो सनस्क्रीन लगाना बहुत ही मस्ट हो जाता है। तो अगर आप इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। और मैं आपको एक कोड मेंशन करूंगी, अगर आप उसके थ्रू कुछ भी मतलब यहाँ से लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा और डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं। और हाँ, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मेरे को मिली थी, कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ ना, क्योंकि अभी गिफ्ट्स देखे तो ये मेरा गिफ्ट्स है। इसी तरीके से मुझे भी एक प्यारा सा ये गिफ्ट हैम्पर ही बोलूँगी मैं तो, मेरे लिए तो आज के लिए गिफ्ट ही है ना, इतने सारे प्रोडक्ट मेरे को मिल गए हैं, मेरी स्किन अब ग्लो करेगी, वाओ शाइन करेगी मेरी। वैसे भी मेरे को पिगमेंटेशन प्रॉब्लम हो रही थी, तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट मैं सब कुछ लगाने वाली हूँ, सब कुछ यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से वन बाय वन मैं आपको
दिखा रही थी क्या क्या मिला है इसके अंदर, क्या क्या ये ऑयल फ्री है और जिनकी स्किन ऑयली होती है उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। देखिए मेरी स्किन तो एकदम ऑयली है, तो मैं कुछ भी लगाती हूँ ना एकदम स्किन मतलब ऑलरेडी ऑयली है और भी ज़्यादा ऑयली दिखती है। अगर आप इस वाले मॉइस्चराइज़र क्रीम को यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं आने वाला है, आप देखिए। और सो गाइज ये है ब्राइटनिंग लिप बाम, जो बहुत अच्छा है, जो आपके लिप्स को एकदम ब्राइट कर देगा। जिनके डार्क लिप्स होते हैं इनके लिए बहुत ही अच्छा है, यूज़ करके देखिएगा। जैसा कि नाम है फॉक्स टेल इंस्पायर्ड बाय स्टोरीज ऑफ वुमेन हु वर्क वंडर्स, वैसा ही सच में ओहो प्रोडक्ट भी है, मुझे बहुत पसंद आए। और आपको ये एक बुकलेट मिल जाती है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कैसे आप इनको यूज़ करेंगे। तो अभी इस वाली क्रीम की बात करते हैं। तो ये है ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र और ये आपकी स्किन को एकदम स्मूथ कर देगा, और आप एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। रिज़ल्ट आपके सामने ही दिखाऊंगी मैं। ये देखिए जिस तरह से मैं स्किन में इसको लगा रही थी ना, ये ऑब्जर्व होता जा रहा था, एकदम शाइन भी कर रही थी स्किन। और जैसा कि आप इसे डेली लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये है सनस्क्रीन और बहुत ही अच्छा इसका भी रिज़ल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि ये है SPF 70 PA। तो अगर जो आपको मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि टैनिंग नहीं हो जाती, टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो भी ये बिल्कुल दूर कर देगा। आप इसको डेली लगाइए जब भी, अगर आप बाहर के एनवायरनमेंट में जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि धूप हो तभी जाएं, आप इसको मतलब किसी भी समय बाहर जाने में लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। और अभी सो गाइज अभी स्किन को क्लीन करने के लिए भी तो कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो वो है आपके सामने हाइड्रेटिंग क्लींजर। तो ये बहुत ही अच्छा अमेजिंग प्रोडक्ट है, मैंने खुद से यूज़ किया है तभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, एकदम फेस वॉश करके आपको अपनी स्किन एकदम स्मूथ लगेगी, और मैं खुद से फील कर रही हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ अपने फेस को वॉश करके। तो देखिए कुछ मैंने इस तरह से ये अपने हैंड पर लिया, मतलब थोड़ा सा ही लेना है क्वांटिटी वाइज, ज़्यादा नहीं लेना है, और अपने फेस पर लगा लेना है। और हाँ ये मेकअप रिमूवर भी है, जैसे आप पार्टी से आते हैं आपको अपना मेकअप रिमूव करना है तो ये बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट, आप मेकअप रिमूव करके देखिएगा आपको अच्छा लगेगा। तो मैं भी अपना फेस वॉश कर रही हूँ, जैसा तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था फेस वॉश करने में, एकदम स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही थी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल मेकअप रिमूव हो गया गाइस, ये देखिए। सो गाइज अगर आपको ये अच्छे लगे हों प्रोडक्ट तो प्लीज़ एक बार जाकर लिंक ज़रूर चेक कीजिएगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में शेयर की कर दिया है मैंने, और मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, सीरियसली मुझे बहुत पसंद आए हैं, और जब मैं इनको यूज़ कर रही थी मुझे बहुत ही अच्छी स्मेल भी लगी और स्किन में एक ग्लो फील हुआ, तो मैंने सोचा आपके सामने शेयर कर देती हूँ। और अभी जो ये आपको पाउच दिख रहा है ना, ये है द डेली ड्यूट क्लींजर, तो ये इसी का ही स्मॉल पैक है जो मैंने आप फेस वॉश बोल सकते हैं यूज़ किया था, ठीक है। तो आपके आपको ना सब कुछ इस बुकलेट में लिखा हुआ दिख जाएगा और आप इसे अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो सबको रिटर्न गिफ्ट दिए मैंने, सबने बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए हैं, सभी को बहुत 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 सारा थैंक यू, सारे गिफ्ट्स बहुत पसंद आए, बच्चों के भी बड़ों के भी। और अभी हम किसको रिटर्न गिफ्ट देने जा रहे हैं, स्नेहा को, क्योंकि स्नेहा ने बहुत मेहनत की है सबके गिफ्ट्स पैक करने में और मेरी बहुत मतलब हेल्प करती है वो, तो उसको भी तो गिफ्ट बनता है ना, उसको ही नहीं दिया था मैंने तो ये गिफ्ट स्नेहा के लिए। अभी देखते हैं उसका रिएक्शन। भाई फालतू ये बहुत बेकार चीज है। रोबोट जो सबको दिए रिटर्न गिफ्ट तुझे छोड़ देती,
हैं? लगता है सीरा था। हाँ ली तो है सीने का। नेल देख तू आई है। क्या ही है? ये शॉप पे ऑलरेडी नहीं है ऐसा नहीं। हम पर बैंक है। क्यूट सा है तो फिर इसका काम क्या है? जला के देगी सर। कहाँ? यहीं पे। ऑन कैसे होगा? नहीं चल रहा। अब ये मुझे पता नहीं है चार्ज होकर चलता है। चार्ज होकर चलेगा। पूरे घर में तुमने जो हालत बनाई है देखो। ये गिफ्टों के यार पूरा घर फैला दिया देखना कूड़ा। अब ये संगवाएगा कौन जो तुमने कूड़ा कर करके फेंका है? हैं? अब देख क्या गिफ्ट लगा रहा है। सारे लगाने में लगा गिफ्ट मिले हैं। हैं? खड़ा नहीं होगा वाह कितना सुंदर है। वाह तो कमरे में चलाऊंगी। फुल रिमोट दो इसका। रिमोट रिमोट भी है? हाँ। कहाँ है? इस डिब्बे में। अच्छा रिमोट है। सेल पता नहीं है। नहीं है इसका। स्टार नहीं है सेल पता नहीं। नहीं ओ है। देखो मम्मी कितना सुंदर लग रहा है। सेल हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मुझे मिला। ये बस यही स्टार चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। कुछ भी सब बहुत सारी चीजें इसमें तो देखना पड़ेगा। नेब्यूला पता नहीं क्या क्या है। एलईडी से वो। होप सो गाइज आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ जो ये मैंने प्रोडक्ट्स का लिंक शेयर किया है उसे एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। तो एक बार इस साइट पर जाकर विजिट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे दोस्तों।